You are in Chennai. Half a minute. Secretary of? Sure. Swamy and friends, it's a great pleasure for me that the modern Vishwamitra, Baba Ramdev, us to kindly consented on the way to be here for a short while. My job is to say that modern history of India is written. The major change that is going to come, everybody will acknowledge in history books that the change was initiated by Baba Ramdev in India. It was his rally in February last year and the year before in the Ramlila grounds, which changed the whole atmosphere in India, made everybody feel confident that change is possible. And that's why the disgraceful incidents of Ramlila grounds, where police turned up at midnight and beat up, in fact, one died because of the injuries in the Ramlila grounds. But today, wherever our Ramdev goes, we all salute him. The people look up to him. They believe him. And as a consequence, we in politics are the beneficiary of this big change that is coming. Baba Ramdev, I call him Vishwamitra because Vishwamitra cleared the way by finishing off Taraka. He himself did not do it, but he brought in Ramchandraji as a youngster and Lakshman. And I think all of you are thinking that I mean by Taraka somebody else, but that doesn't matter. But all these Asuric forces today have targeted our sadhus and sannyasis. Why? Whether it's the Shankaracharya of Kanchi, whether it's Asaram Babu, whether, of course, continuing against Baba Ramdev in the harassment that the state machinery is doing. But ultimately, they are men of God, and therefore, it is the Asuric forces which will be defeated, and a new renaissance will come to India. So I request Baba Ramdev to give his ashirvad to us so that a new India can be built starting next year. Thank you. हिंदुस्तान में जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, एक परिवर्तन का, बदलाव का, क्रांति का दौर चल रहा है और उसमें एक वो खानदान जिसने हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझ रखा था। जब मैंने कहा कि भैया हिंदुस्तान के लोगों, तुमने जिनको खानदानी नेता समझा था वो तो खानदानी लुटे, एक हजार सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जितना नहीं लूटा उतना इस लुटे खानदान ने 67 सालों में लूट किया। 100,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्लैक मनी देश की सीमाओं से बाहर, क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा हो। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि काले धन के उस जंग में हिंदुस्तान में यदि कोई राजनेता के तौर पर उस लड़ाई को लड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई किसी ने, और आगे भी निभाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी।
तीन स्वामियों से ये खानदान बहुत खूब खाए बैठा। एक तो हमारे ये खानदानी स्वामी है, इनका सरनेम भी स्वामी है, और ये सरनेम के पीछे इनके पुरखों का तप है। ये गांधी खानदान, एक गांधी ने गंधी लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू, अब नेहरू में गांधी कहां से आ गए? ये माने नाम भी नकली और काम भी नकली। गणपत गुजरात की उम्र छे अत्यारे तो गुजरात में तूती बोले छे। गुजरात में जे वैश्य लोको छे ए गांधी लखे छे। अब या नेहरू ना साथे गांधी उसको संबंध, लेकिन देखो ये नकली सरनेम चलता नहीं है। नरेंद्र मोदी के पीछे कोई सरनेम नहीं लगा हुआ, ना वो नाम से नहीं वो काम से पूरी दुनिया में इज्जत पा रहा। चाय बेचने वाले हैं एक छोटे से घर में, नरेंद्र भाई मोदी पहला होता है। उसका कोई कौन फादर नहीं था पॉलिटिक्स में, जिंदगी भर अभाव और संघर्षों के बीच में वो व्यक्ति आगे बढ़ा। दूसरों से तो जो मुकाबला करना पड़ा, दूसरों ने जो राह में रोड़े अटकाए सो तो सही, अपनों ने भी बहुत रोड़े अटकाए। फिर हमने तो अल्टीमेटम दे दिया, मैंने कहा मोदी के बिना बीजेपी मंजूर नहीं। जाति मजहब का साथ देता है, अरे वो भी फकीर और हम भी फकीर, फकीर फकीर का साथ देने का तो मिलता है। तो ये खानदानी स्वामी, एक वो स्वामी, और नरेंद्र मोदी क्या है, उसकी बीवी नहीं बच्चे नहीं। मेरे से बोले बाबा आपने क्यों साथ दिया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, वो लुटेरा नहीं हो सकता, वो देश नहीं तोड़ सकता, देश नहीं ले सकता, और वो कायर कमजोर और बुजदिल नहीं हो सकता। अरे अभी प्रधानमंत्री यहीं पर आए हुए आजकल, और वो क्या रहा है, फेसबुक और ट्विटर पर लहंगा ओढ़े फोटो चल रही है। क्यों? वो नवाज शरीफ बड़ा शरीफ बदमाश निकला। ये आजकल जैसे नाम होते ना वैसे काम होते नहीं है। मैंने कहा तो बोलता है देहाती औरत की तरह ओबामा से हमारी चुगली करता है। और मैंने देखा भैया, मुझे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखी जम किया, सिर जाए तो जाए मेरा सिख धर्म ना जाए, हम शीश कटवा लिए लेकिन सिर झुकाया नहीं, और इसने कभी बेचारे ने सिर उठाया नहीं। सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं। देर में हिंदी समझ में आती है ऐसे वाले क्या करवा लिया। इतना गौरवशाली महान राष्ट्र, लोग अपने अपने किसी खून खानदान पर गर्व करते हैं। कैमरोल खानदान के हम उस खानदान के हैं, हम उस खानदान के, हम उस हिंदुस्तान के, हम उस देश के हिंदू हैं जिसका इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन प्रांत से लेकर के और उधर म्यांमार, बांग्लादेश, त्रिविष्टुम, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, विश्व विजेता भारत, उसके हम हिंदू, ये हमारा गौरव। अमेरिका की श्रम शक्ति को, उसके पुरुषार्थ को, उसकी जान शक्ति को, उसकी सैन्य शक्ति को हम सलाम करते हैं, क्योंकि 500 सालों में से देश ने विकास की बुलंदियों को छुआ। 500 साल का अमेरिका का संघर्ष उसको यहां खड़ा कर देता है। 2000 साल पहले का
पूरा का पूरा इस्लाम का ईसाईयत का इतिहास 1400 साल का पूरा इस्लाम का इतिहास हम इस्लाम का हम ईसाईयत का हम अमेरिका किसी देश का अनादर नहीं करते ये 500 से लेकर के 2000 सालों में सारी दुनिया सिमट जाती है इससे ज्यादा 2-3 हजार पीछे तो कोई संस्कृति जाती ही नहीं है अरे हम हिंदुओं की संस्कृति हम भारतवासियों की संस्कृति देव संस्कृति ऋषि संस्कृति 1,96,08,53,114 वर्ष पुरानी है इसके ऊपर हमें गौरव है पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम हमने दिया अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ये 200 साल पुरानी है इसकी ठीक है अच्छा कर रहे हैं हमारे भाई डॉक्टर अरविंद यहाँ बैठे ये बड़े अच्छे सी बहुत अच्छे सर्जन है ये जिस किसी का दिल में गड़बड़ हो जाए तो चीर फाड़ के ठीक कर देते हैं भीष्म अग्निहोत्री जी के बात यशस्वी बेटे 200 साल पुरानी है मॉडर्न मेडिकल साइंस 200 करोड़ वर्षों पुराना हमारा ऋषियों का आयुर्वेद पूरे वर्ल्ड को हेल्थ सिस्टम हम हिंदुओं ने दिया आप कहते हो ना गर्व से होगा हम हिंदू हैं कैसे गर्व पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम हिंदुओं ने दिया पूरी दुनिया को एजुकेशन सिस्टम हिंदुओं ने दिया ठीक है कि आज बहुत से हमने संघर्ष झेले हैं उसमें बहुत सी बीच में गड़बड़ियां हुई हैं उनको ठीक करेंगे हम और वापस उसको वही लेकर के जाएंगे पूरी दुनिया को ज्यूडिशियरी सिस्टम हमने दिया पूरी विश्व को संस्कृत और सभ्यता का बोध हमने दिया मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति भी उसी ऋषि भूमि से हुई उस देव भूमि से हुई और ऐसा गौरवशाली देश अमेरिका में आज जो मूल निवासी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं रेड इंडियन क्यों कोलंबस अमेरिका खोजने नहीं निकला था इंडिया खोजने निकला था माने 500 साल पहले से पूरी दुनिया इंडिया को खोज रही थी क्योंकि भारत जैसा वैभव भारत जैसा ज्ञान भारत जैसी सैन्य शक्ति भारत जैसा बल पराक्रम पूरी दुनिया में कहीं नहीं था और वो भारत फिर से पूरे पराक्रम के साथ दुनिया में खड़ा होगा और आध्यात्म का भी निर्भर शक्ति है इसका एहसास करो दूसरी इस बात को दोहराना चाह रहा हूं भारत में किस चीज की कमी है जल जंगल जमीन भू संपदा जड़ी बूटियां वहां पर अलग अलग राष्ट्रीय संसाधन बहुत ही प्रतिभा टैलेंट तो हमारे भारतीय जैसा पूरी दुनिया में कहीं है यूथ पावर पूरी दुनिया का सबसे जवान देश सबसे महान प्रज्ञावान देश भारतवर्ष लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है देशगत में जा रहा है और सारे देश की संपत्ति पर कुछ बेईमान लोग चौकड़ी मार करके बैठ गए और वो जहरीले नाम मैंने कहा जिसको जो भी देश की बात करे उसी को काटने को वो सुबह से शाम तक सुब्रमण्यम स्वामी को गाली देते रामदेव स्वामी को गाली देते एक बेचारा दुखी होके आया कांग्रेसी गंदे हैं वो बेचारा उसको बाहर भेज दिया वो चुप नहीं हो रहा था उसको सहा नहीं जा कुछ नहीं कह रहा था कुछ लोगों ने सोचा बीच में क्या अराजक तत्व आ गए दरअसल वो वायरस हिंदुस्तान से चल रहा बड़ा खतरनाक वायरस है ये कांग्रेसी वायरस बड़ा खतरनाक यहां ओवरसीज में जो कांग्रेस के हेड है ना वो कहते हैं क्या करें गलत जगह फंस गए सच्ची बताओ कहते इसमें तो हमको तो पता ही नहीं अरे मैंने कहा भैया हम तो छोटे थे तब सुनते थे कांग्रेस यही अंग्रेजों की पार्टी एओयू ने इसकी स्थापना की आज भी हमारे गांव में बोलते हैं ये अंग्रेजों की पार्टी और अभी भी ये मैडम की अंग्रेजों की पार्टी इसमें कुछ नहीं है एक से मेरे से पूछ बोला बाबा कांग्रेस का फ्यूचर क्या मैंने कहा मैडम की तबीयत नासाज है देखो आप अपनी तो अच्छी भावना रखते हैं किसी की दिक्कत ना हो यहाँ दो बड़े कैंसर के पास इंस्टीट्यूट है एक एमडी एंडरसन और दूसरा इधर सुनो तो आती है हम तो जो प्रार्थना करते हैं कि 2014 तक उनकी तबीयत ठीक रहे अच्छा है क्या होता है तो सोनिया गांधी जी की तबीयत ना साझ और उसका जो मुन्ना
इसका बेटा बहुत बड़ा बने। उसने भी सोचा था मेरा बेटा हार्वर्ड जाएगा, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड कहाँ भेजा, अरे भेजा मतलब भेजा कहाँ था, वो गया कहीं और। जैसे कई बार माँ बाप बच्चे को स्कूल में भेजते हो पिक्चर हॉल में चला जाता है, कहाँ भेजा, पहले हार्वर्ड में भेजा, फिर कॉम्ब्रिज में भेजा, फिर पता नहीं कौन से ब्रिज में फंस गया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा विदेश से पढ़ के आएगा तो थोड़ा दिमाग वाला होके लौट के आएगा, तो वो माँ ने भेजा था विदेश में बुद्धिमान बढ़ाने के लिए, वहां से भूत और पप्पू होके लौट के आया। आजकल पूरी सोशल मीडिया में उसको लोग भूत और पप्पू लिखते हैं, और इसमें तो दसवीं पढ़े लिखे जितना भी दिमाग नहीं है। आज तक कभी भी आपने उस सहजादे को कभी करेक्शन पर बोलते हुए सुना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कभी ब्लैक मनी का सॉल्यूशन देते हुए सुना, कभी देश में पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, देश में इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इकोनॉमिक एंड सोशल इनजस्टिस कैसे खत्म होगा, देश की जो भी सुरक्षा की प्रॉब्लम है कैसे दूर होगी, कभी आपने नहीं सुना होगा। अभी पहली बार बोला और कोई उल्टा पड़ गया, बोले क्या नॉनसेंस है, क्या ऑर्डिनेंस लेकर क्या इसको कोई नहीं फेंक देना चाहिए। अब बताओ इस बोंदों ने सरदार जी की भी पगड़ी उछाल दी, सरदार जी को तो नॉनसेंस कहा ना, और उसकी माँ और सरदार जी के बिना वहां की कैबिनेट है क्या। हिंदुस्तान का लोकतंत्र वो संसद से नहीं चलता, हिंदुस्तान का लोकतंत्र संविधान से नहीं चलता, संविधान तो ये मैडम जेब में रखती है, लोकतंत्र को तो भैरव ने कुचल दिया है, और हिंदुस्तान की तो इज्जत करती ही नहीं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको बराबर का सम्मान मिले, लेकिन ये मैडम चाहती है कि मैं तो इस रोम ओम के देश को रोम का देश बनाऊंगी, ये तो नहीं चलेगा ना, सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए। अब यदि किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनना है तो पहले ईसाई बनना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है ना। अरे जिस देश में रहते हो उस देश का सम्मान करना भी सीखो, साधु से तो घृणा करते हैं, ये बड़ी खतरनाक। तो मैं कह रहा था हिंदुस्तान की राजनीति अब सुरक्षित है, क्योंकि मैंने कहा रास्ता साफ है, कोई है ही नहीं रास्ते में। अभी बहुत तरह के जो राजनीतिक पंडित है ना, ये बहुत तरह के अंदाजे लगाते रहते हैं। मैंने कहा तुम दरअसल क्या है, राजनीति में प्रो पावर होता है मीडिया ज्यादा, और वो हमेशा ताकतवर लोगों के कीर्तन मंडली में रूपांतरित हो जाता है, सबके लिए नहीं बात कर रहा ज्यादा सा। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति की मैं यद्यपि कोई शनि केतु राहु नहीं मानता हूं, मैं किसी भी तरह की और तमाम अंधविश्वासों में भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन ये राजनीतिक भविष्यवाणी हिंदुस्तान की ये है कि मोदी जी और उनके समर्थक जो दल हैं वो 300 सीट लेकर के आए, और कांग्रेस उससे भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। और उस समय क्योंकि सोनिया गांधी की तो खुद कोई तबियत ठीक नहीं है, इसलिए खुद कोई नहीं संभाल पाई, और ये जो युवराज है इनका सहजादा वो तो कोई दूसरी दुनिया में रहता है। अब हिंदुस्तान में 1,00,000 लोग उत्तराखंड में फंस गए, 10,000 लोग वहां मर गए, और ये अपना बर्थडे का केक विदेशी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काट रहा है, इसे दिमाग का टोपा भी नहीं। तो फिर ये कांग्रेस टूटेगी, जो इसमें ताकतवर लोग हैं वो अलग या तो पार्टी बना लेंगे या किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे, और जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए वो सपना भी 2014 में पूरा हो जाएगा। 2013 में सारे राक्षसों की, रावणों की, कंसों की, ताड़काओं की, पूतनाओं की देवी होगी, 2014 से नया भारत बनना। मैं कह रहा था तीन स्वामियों से इनको बड़ा डर लगता है, एक तो नरेंद्र भाई मोदी, एक ये स्वामी और फिर एक ये स्वामी, फिर बोले तीनों कैसे मिल गए, हमको कुछ नहीं चाहिए।
तो इसको भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता लगा कि जो है इधर आप लोग कोई फंक्शन कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मेरे पास फोन गया कि स्वामी जी इधर प्रोग्राम हो रहा है, आपको 15 मिनट के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा उधर ऐसे हमारे प्रोग्राम रखने वाले भी इतने होशियार हैं कि बाबा एक दिन के लिए आया 100 दिन का काम ले लो। इसे हमको 2-3 घंटा सोने को देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम खाना बंद कर देते हैं, तो फल फ्रूट खाओ थोड़ा, तो थोड़ा खाने से भी और कम सोने से आप बहुत खुश रहते हैं। आप लोग तो यहाँ बैठे भी खाने पीने के साथ ही और यहाँ बिना खाए एकदम फिट परफेक्ट रहते हैं। आप लोगों ने बहुत भारत का नाम बढ़ाया है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी और करीब 3 करोड़ ऑफिशियली एनआरआई हैं, कोई कहता है 4-5 करोड़ हैं, जितने भी हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जितनी ताकत है उससे उतनी ही बराबर की या उससे कहीं ज्यादा ताकत हमारे 3-5 करोड़ एनआरआईयों की है। आपको अभिनंदन है, पूरी दुनिया में आपने फोरे बढ़ाया, प्रतिष्ठा बढ़ाई और उसमें भी जो प्रवासी एनआरआई भारतीय है उनमें जो यूएसए के एनआरआई है, साहब आपकी संख्या तो 25 लाख है। 25 लाख तो हमारे एक छोटे से शहर में रहते हैं और एक दिन में हम पैदा कर देते हैं। लेकिन आप लोगों की संख्या छोटी होते हुए भी, पहले मैंने सुना यहाँ 20 लोग पर कैपिटा इनकम में नंबर वन थे, आज हमारे एनआरआई नंबर वन है। तो आप तो नंबर वन है ही, अब भारत को भी नंबर वन देश बनाना है और उसमें भी आपको बड़ी भूमिका निभानी है। आपको हमने तो अब संकल्प ले लिया, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होगा, करीब 9 महीने, मैंने कहा 9 महीने तक पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव नहीं जाएगा, पूरे देश में घूमेगा और घूम घूम जाएगा हर रोज। अभी मध्य प्रदेश में था और वहां पर भी एक महाराक्षस रहता है, उसके शहर में चला गया। रात को 11 बजे 25,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर गलियों में जहां देखो वहीं बैठे हुए। उससे पूछा कि ये क्या हो गया, तेरे घर में आके मान में मार रहा है बाबा? तो कुछ नहीं उत्तर बना, संस्कार कुछ है नहीं, तो उल्टे सीधी गालियां दे, गालियां देने के पास सिवाय इनके पास कुछ है नहीं। और ये हम लोगों को, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, इनको जितनी गालियां देते हैं उतना ही उनके पापों का खाता और बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था शिशुपाल कि मैं 99 गलतियां माफ कर दूंगा, जब 100 गलती है तो शीश काट दिया सुदर्शन से, तो इनका पूरा हिंदुस्तान अपने आप ही शीश काटने वाला है। बात हो चुका है भाई बहनों, अब हिंदुस्तान प्रतिष्ठता जागृता प्राप्त निबोध था। 1863 में 150 वर्ष पहले एक महामानव का जन्म हुआ जो भारतीय संस्कृति का शिखर पुरुष, वो युग पुरोधा, वो महानायक, वो राष्ट्र का उन्नायक, वो युग दृष्टा। 150 साल पहले जो पैदा हुआ था उसने कहा था, अमार स्वामी जी बंगला में पुस्तक है रामकृष्ण मिशन की ओर से प्रकाशित छोटी सी पुस्तक है, उसमें लिखा कि हिंदुस्तान का नेतृत्व कोई राज घराने के राजा रानियां नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का नेतृत्व तब के मार्ग पर चलने वाला कोई फकीर ही हिंदुस्तान का वजीर होगा। सांवेकारी के भविष्यवाणी और सच घटित होने वाली और हिंदुस्तान बदलने वाला है। इस अमेरिका की धरती पर 1893 में 120 वर्ष पहले वो महानक आया और उसने कहा उत्तिष्ठता जागृता उठो जागो, जब तक ध्येय नहीं मिल जाता आगे बढ़ते रहो। तुम तो फकीर भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको अपना वतन चाहिए, किसी भी कीमत पर अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये संकल्प अपना है। और ये भगवान के विधान से काम हो रहा है, किसी की मर्जी से नहीं हो रहा। हम तो सब निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र भव सब साचे, और मनुष्य का जन्म ही इसके लिए है कि हम परित्राणाय साधुना
विनाशाय च विस्मिता यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत धरती सारी साधकी वेद में भी कहा वेद वाणियों इंद्र मध्यम तो पुत्र हम आवस्ते में ही शत अग्रवंत विश्व मार्य वार गुरुवाणी में भी क्या होगा धरती सारी साधकी तस्कर बैठे आन ये धरती तो देवत्व की प्रतिष्ठापना के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म का मूर्त रूप है ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड का मूर्त रूप है और हर नर में ही नारायण का वास है इस धरती पर हमें भगवान का साम्राज्य कायम करना है अभी शैतान का साम्राज्य चल रहा है कैसे भाई बहनों इस बड़े लक्ष्य ध्येय के लिए आप सब में भी बहुत जोश है तमन्ना है आप लोगों ने अपने जीवन में तो खूब यश प्रतिष्ठा धन दौलत बहुत कुछ अर्जित किया है लेकिन आपके दिलों में एक टीस रहती है एक पीड़ा रहती है मारा कि आज इस मुल्क में आकर के हमने बहुत तरक्की की है लेकिन हमारी मातृभूमि हमारा भारत वंश बहुत सी बच्ची यहां भी पैदा हुए आप कि चाहे 100 पीढ़ियां यहां पैदा हो जाए लेकिन आपको कहा जाएगा प्रवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन आपको बोला जाएगा जब इंडिया कहीं पर भी पीछे होता है तो अपने को दर्द होता है अब इंडिया सबसे आगे होगा ऐसा अपना आंखों से देखेंगे ये आपके लिए भी गौरव होगा हमारे लिए भी गौरव होगा ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी संकेत है इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आज मुझे पता लगा आप हिंदू ढिंदू ना क्या बात अब जहां हमारे सुब्रमण्यम स्वामी होते हैं वहां तो हिंदू ढिंदू अपने आप ही हो जाता आप सब यहां पर आए हैं मैं तो थोड़ी देर के लिए बीच में ऐसे आ टपका क्योंकि मुझे पता लगा कि आप सब में बहुत जज्बात हैं आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस हिंदू और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपने हृदय में गौरव का भाव सबसे बड़ी चीज होती बस वो हमेशा रखना देखो 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन जो अंग्रेजी भाषा का जनक माना जाता है वहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी ब्रिटेन में क्या बोली जाती थी फ्रेंच क्यों क्योंकि वहां पर फ्रेंच ही चलता है तो जिस ब्रिटेन के अंदर फ्रेंच बोली जाती थी जिस इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती थी अंग्रेजों के देश में वो अंग्रेजी आज पूरी दुनिया में बोली जाने लगी जो अंग्रेज जो खुद पराधीन था ब्रिटेन वो 70 से ज्यादा देशों में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम कर लेता है केवल एक शौर्य स्वाभिमान पहले तो मजबूरी थी बाद में उन्होंने उनके अंदर झगड़ा हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते अरे वो तो भूखे नंगे लोग थे हमारे भीतर तो रॉयल ब्लड है रामकृष्ण का खून है हम तो पूरी दुनिया में राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं ऐसा आपके भीतर होना है आप मेरी बात से सहमत है तो चलो गाओ उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती बोलना पड़ेगा नहीं तो मैं खून कहीं विकस होगा तो नहीं बोलेगा उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता रगों में तेरे बह रहा है कौन राम श्याम का रगों में तेरे बह रहा है कौन राम श्याम का जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का तू चल पड़ेगी चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ मेरे भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ जगात सुप्रभात फैला दे अपनी लाली माँ जगात सुप्रभात फैला दे अपनी लाली माँ तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश की है शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश
पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की पता बता रही हमें किरण किरण और चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि भारती देश है पुकार का पुकार दीमा भारती देश है पुकार का पुकार उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकार पुकार दीमा भारती देश है पुकार का पुकार दीमा भारती वही भारत माता की हनुमान जी वाली मुट्ठी बांध के बजरंग बली की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सुब्रमण्यम स्वामी जी को जो एक योद्धा की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं पूरी ताकत के साथ एक बार उनको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन उनको बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद Our Ramdev ji here, our cousin, Raja Lakshmi.